नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में जबलपुर में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जबलपुर से संबंधित कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि हमारी सरकार 2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करेगी। सीएम कमलनाथ ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर गंभीर है, इसलिए कर्ज माफ करने के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की गई। इसी के साथ अकेले जबलपुर में कई कॉलेज, सामुदायिक भवन समेत अस्पताल बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इससे शहरवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं वित्त मंत्री तरुण भनोट और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री लखन घनघोरिया के प्रति लोगों ने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर के रामपुर स्थित तरंग प्रेक्षागृह में आयोजित मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य की जिला अदालतों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसके सेठ के मुख्य आतिथ्य और कानून मंत्री पीसी शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि जिला अदालतों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, साथ ही बेहतर न्यायिक व्यवस्था में सरकार सहयोग करेगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए अश्विनी कुमार का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया। उनके बड़े भाई सुमंत लाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अश्विन की श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने शहीद को नमन किया। उनके साथ वित्त मंत्री तरुण भनोट, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए। इसके पहले अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंधा दिया। हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद को कंधा देने वालों की होड़ लगी रही। जबलपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल होने आए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने राशन दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बंद पड़ी दुकानों को देखकर मंत्री भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपभोक्ता डरे नहीं, खुलकर अपनी समस्या बताएं। कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम कमलनाथ ने शिवाजी मैदान सदर में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जबलपुर शहर को कई बड़ी सौगातें भी दी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल राज किया जी। और अभी प्रश्न पूछते हैं कि आपने क्या किया, इसमें क्या हुआ। मैं तो उन्हें कहना चाहता हूँ 16 दिन में 25 लाख किसान खड़े होकर कहेंगे हमारा कर्जा माफ हुआ। और मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ जो 15 साल में नहीं हुआ आप मुझे 50 दिन में पूछना चाहती हो। मैं तो जो आपने कबाड़ा किया था, आपने जो कबाड़ा किया था, जो अव्यवस्था थी, इसको सुधारने में लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।